आज हमारे साथ बौद्ध धर्म के जानकार सुधीर राज सिंह जी हैं और हम उनसे जानेंगे कि बुद्ध को भगवान क्यों कहा जाता है और उनके कितने नाम हैं। सुधीर राज सिंह जी, बताइए हमें। बुद्ध के नाम और बुद्ध को भगवान क्यों कहते हैं जानने के लिए हमें तीन शब्दों का अर्थ जानना चाहिए। पहला शब्द है भाग, दूसरा है भंग और तीसरा है भव। ये तीनों ही जो शब्द हैं इनमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है और व्यक्ति विशेष अगर जानना भी चाहे कि भगवान का क्या अर्थ है तो जान नहीं पाता, खुद ही में वो कन्फ्यूज हो जाता है, खुद ही में ही वो भ्रमित हो जाता है। तो पहले हम जानेंगे कि भाग को पाली में जो भाग है उसका क्या अर्थ होता है। भाग है सिंपल सा हिस्सा, जैसे हम ये कहते हैं कि आपका ये वाला भाग है, आपका ये वाला भाग है, खाने में कहते हैं ये भाग है या जमीन में कहते हैं ये भाग है, भाग। और भाग अगर दिया जाए तो पाली में कहते हैं भाग दे, यानी कि वो भाग जो देने लायक है। और भागवंतु उसको बोलते हैं जो भाग लेने वाला होता है, भाग लेने वाला, अपना हिस्सा लेने वाला हो उसको बोलते हैं भागवंतु। इसी शब्द बना है सौभाग्यवती या सौभाग्यवान, यानी जिसको 100 भाग मिले, 100 पोर्शन मिले, 100 हिस्से मिले, 100 जिसको पोर्शन मिलते हैं उसको हम कहते हैं सौभाग्यवती, यानी कि 100 के 100 मिल गए, कंप्लीट मिल गया, 100% मिल गया, तो सौभाग्यवती हो गया, सौभाग्यवान हो गया, सौभाग्य हो गया। आम बोलचाल में हम कहते हैं, आपने सुना होगा, अरे भगवान कहाँ जात जा रही है, अरे भगवान ये ले आ, आओ भगवान, आओ भाग जी, ऐसे करके हम बोलते हैं। ये आम बोलचाल में पाली भाषा से ही चला आ रहा है कि जिसको भाग मिलते हैं या जिसको हिस्सेदारी मिलती है उसको बोलते हैं। और यहीं से जो भगवान हैं वो थोड़ा सा भगवान और भगवान के करीब में आया। एक तो संदर्भ इसका ये आता है, भगवान भगवान नहीं है। दूसरा है भंग, भंग पाली में जो आता है, भंग बोलते हैं टूटना या डिजॉल्व होना, यानी कि जो घुल जाता है, जो टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, उसको भंग बोलते हैं। तो पाली में भंग का जो विशेष अर्थ है वो है कि भगवान जब विपस्ना कर रहे हैं और सीख रहे हैं, ज्ञान को सीख रहे हैं, तो वो अपने शरीर को भंग कर रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं छोटे छोटे, और देख रहे हैं कि शरीर कैसे काम करता है। बहुत छोटी छोटी सेल्स के टुकड़े कर दिए, सेल्स में उन्होंने अणुओं के कर दिए, अणुओं के से परमाणु कर दिए, और फिर वो देखते हैं कि सारा शरीर बिल्कुल कंपनी कंपन तरंगी तरंग है। तो वो भंग अवस्था बीच में आती है और जो भंग ज्ञान प्राप्त करते हैं उनको भंगी बोलते हैं। और ऐसे ही भंग ज्ञान प्राप्त करने वाले, यानी भंगानुपस्पा बोलते हैं, भंग करने वाली जो विपस्ना होती है उसको भंगानुपस्ना बोलते हैं। और ये होता है भगन, भग माने भगन, भग पाली में, और भगन माने टूटा हुआ। और भगवंतु किसको बोलते हैं, जो भंग अवस्था को प्राप्त करता है, यानी भंगी को भगवंतु भी बोलते हैं। तो भगवंतु से भगवान बना है, यानी जो भग्न कर दे, यानी भगवान जो भग्न कर दे उसको भगवान बोलते हैं। और इसी भगवान से भगवत गीत बने हैं, यानी भग्न करने वाले ने जो वदा, जो कहा और उसके जो गीत बनाए वो भगवान गीत हो गया। और इसी से जो वो रंग पहनते थे उसको भगवा कलर बोलते हैं, जैसे मितवा बोलते हैं वैसे ही भगवा, भगवा कलर, उस कलर को भगवा बोलते हैं। तो यहाँ भगवान ने क्या भंग किया लास्ट में, जितने उनके राग थे वो जीते जी उन्होंने भग्न कर दिए, डिजॉल्व कर दिए, ख़त्म कर दिए, विखंडित कर दिए, तोड़ दिए। जितने दोष थे वो सारे विखंडित कर दिए, भग्न कर दिए, और जितने भी मोह और मूर्ता थी वो सारी सारी भग्न कर दी। ऐसे भग्न करने वाले को जिसने किया उसको भगवंतु या भगवान बोलते हैं। तो भगवान इस संदर्भ में यहाँ आता है। तीसरा आता है भव, भव के दो अर्थ हैं। भव एक आता है संसार अस्तित्व के रूप में और दूसरा आता है होना, किसी चीज़ के होने को भव बोलते हैं। भव क्रिया भी है और भव नाउन भी है, यानी भव संज्ञा भी है और भव कर्म भी है। तो भव माने होना और भव माने संसार, यहाँ दो आते हैं। तो भव से बड़े सारे शब्द हैं, जैसे भव चक्र, यानी जीवन का चक्र, मरने का जीने का चक्र जो भगवान ने देखा और बताया। भव तृणा, यानी भव जीवन की तृष्णा, जिसमें वो फंसा रहता है कि और जीवन चाहिए, और जीवन चाहिए, और जीवन चाहिए, भव तृष्णा। भग भवंतक, भवंतक का मतलब है जहाँ भव के अंत तक पहुँच जाए, जो व्यक्ति, भवंतक का मतलब है जो व्यक्ति भव के अंत तक पहुँच जाए, यानी होने की प्रक्रिया को लास्ट तक देख ले, उसको भवंतक बोलते हैं। इस भवंतक से ही भगवान ही बना हुआ है,
इस भवन तक को मैं भगवान यानी भगवन भगवान ही बना हुआ है, तो एक शब्द हो गया भगवान, एक हो गया भगवान और एक हो गया भगवन। ये तीनों शब्द अलग अलग हैं मगर यहाँ तीनों शब्दों को लगभग मिला के बोला जाता है, भगवान भगवान और भगवन, ऐसे करके तीनों, और तीनों ही लगभग एक दूसरे के बड़े करीब से और आसपास होते हैं। तो भगवान बुद्ध को, भगवान को या भगवान को इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने ये सारी प्रक्रिया की और वो गुजरे और वो इसके उत्तराधिकारी हुए, और संसार में भवचक्र तक के अंतम पहुंचने वाले भगवान बुद्ध ही हुए हैं। ऐसे वो पहले व्यक्ति हुए हैं, इसलिए उनको भगवान बोलते हैं। भव शब्द से ही भवन बना हुआ है यानी जिसमें जीवन चलता है। अब यहाँ भवन दो अर्थों में है, एक जीव जंतु के जो पेट में है वो भवन है और एक जिसमें हम रहते हैं वो भवन है, दोनों में जीवन चलता है, एक भौतिक है और एक आंतरिक है, दोनों ही भवन है। और भव की जो लास्ट स्टेज है उसको भस्म बोलते हैं, यानी जब शरीर बिल्कुल खत्म हो जाता है तो उसको कहते हैं भस्म बोलते हैं। इससे भाव है, भावना है, भावित है, भावी है, ये सारे शब्द भव से बने हुए हैं और ये सारे सारे शब्द उसमें आते हैं। तो भव, भवती और भविष्यति, यानी भव से ही तीन बातें होती हैं, जो प्रेजेंट में चल रहा है भवती, जो भविष्यति यानी कि जो फ्यूचर में आना, जिसको भविष्य हिंदी में या संस्कृत में बोलते हैं भविष्यति, और भव माने होना होता है, और जो हो चुका होता है वो आता है। तो ऐसी भव वाणी है, भव ज्ञानी है, भवानी है, जय भवानी है। तो भवानी शब्द और भव ज्ञानी एक शब्द है, जो भव ज्ञानी होता है, भव को जानने वाला होता है उसको भवानी भी बोलते हैं, भव यानी या भव ज्ञानी। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने एक लेटर में जय भवानी शब्द भी लिखा है, ऐसा हमें कई बार भाषणों में सुनने को मिलता है और ऐसा लेटर में लिखा हुआ भी है। तो ये भवानी और जय भवानी जो शब्द है ये पुराना शब्द है पाली का, जिससे कि ये सिद्ध होता है कि भव को जानने वाले की जय करना होता है, और ये बुद्ध का ही एक उद्घोष होता है। अब आता है कि बुद्ध के नाम कितने हैं। तो बुद्ध के जो नाम आते हैं सम्यक सम बुद्ध और उनसे पहले के बुद्ध, यानी जो गौतम बुद्ध हैं, जो प्रेजेंट में बुद्ध जो अभी चल रहे हैं वो सम्यक सम गौतम बुद्ध, और उससे पहले के 27 बुद्ध, और एक जो फ्यूचर में आएंगे। ये तो बुद्धों के नाम हैं जो मैं आपको आखिर में बता दूंगा, मगर बुद्ध जो बना है शब्द वो कैसे बना है, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर आपको ये पता चल जाता है कि बुद्ध शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपको समझने में आसानी रहेगी कि बुद्ध के इतने सारे नाम हुए कैसे और क्या कारण रहा। बोधि, धम्म और सिद्ध, जो व्यक्ति बोधि यानी सर्वश्रेष्ठ उत्तम ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान बोधि, धम्म यानी प्राकृतिक पे आधारित, नेचर पे आधारित, बेस्ड ऑन नेचर, और सिद्ध, सिद्ध माने सफल कर ले, सिद्धि यानी कि प्राप्त कर ले, उसे सफल कर ले, जो व्यक्ति उच्चतम ज्ञान को, सम्यक समुच्च ज्ञान को, प्राकृतिक ज्ञान को सफल कर लेता है, उस व्यक्ति की उपाधि हो जाती है, उसे बुद्ध कहते हैं। ये बुद्ध के समय से पहले भी उपाधियां आती हैं, क्योंकि जो असित, जो काले ऋषि आए थे, उन्होंने ये बताया था कि ये बुद्ध भी बन सकते हैं ऐसा करके। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ का मतलब है सिद्ध अर्थ, यानी जो सफल अर्थ कर दे, अपने अर्थ को सफल कर दे, ये हिंदी में है सिद्धि अर्थक, यानी अर्थ जो अपने अर्थ को सफल कर दे उसको सिद्धार्थ बोलते हैं। और गौतम उनका कुल वंश का नाम है, गोत है, लाइनेज है, जो पीछे से वंशावली चली आ रही है। गौतम, गौतम का सिंपल सा अर्थ होता है गौ और तम, यानी गाय या गौ बछड़ा, और तम माने जो उसका ज्ञानी हो, जिसका उससे संबंध ना हो, यानी गौतम वो लाइनेज है जिनका गायों से कोई संबंध नहीं है, गौतम का ऐसा पाली में मिलता है। तो टोटल अब बुद्ध के बहुत सारे नाम हैं। नाम किस लिए हैं बुद्ध के? बुद्ध के नाम इसलिए हैं कि पहले जान लें कि बुद्ध के नाम इतने सारे क्यों पड़े। देखिए, अगर कोई व्यक्ति कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसका नाम धीरे 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 बड़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर का जो बचपन का और जो शुरू का नाम था प्यार का, जो उनके घर का था, उसको भीमा बोलते थे, भीमा। फिर वो उनका नाम भीमराव हुआ, ज्ञान बड़ा उनका, लोगों का उन्होंने कल्याण किया, तो भीमराव रामजी हो गया। फिर भीमराव रामजी सकपाल हो गया, फिर भीमराव रामजी सकपाल अम्बेडकर जी हो गया, फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रावजी सकपाल अम्बेडकर हो गया, फिर हो गया बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रावजी सकपाल अम्बेडकर,
और फिर हो गया विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव राव जी सकपाल अंबेडकर जी। ऐसे और आगे भी इनके नाम और बढ़ेंगे क्योंकि इनकी जो सफलता का पैमाना है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। और कोई व्यक्ति अगर खराब काम करता है तो उसका नाम छोटा होना शुरू हो जाता है। जैसे मेरा नाम है सुधीर राज सिंह, अगर मैं खराब काम करूंगा तो मेरा, अगर कोई बोलता है सिर सुधीर राज सिंह या धीमान सुधीर राज सिंह, तो वो धीमान हटा देगा, जी हटा देगा, फिर खाली सुधीर राज बोलेगा, फिर सुधीर बोलेगा। और अगर ज़्यादा खराब करेंगे तो उस नाम को बिगाड़ के गाली के साथ भी बोलेगा या मेरे रूप रंग के साथ में से जोड़ के बोलेगा। तो ऐसे नाम अगर खराब काम करते हैं तो नाम छोटा होता चला जाता है। और जो अच्छे काम करते हैं, जितने भी संत हैं उनके बहुत नाम होते हैं क्योंकि वो गुणवाचक हो जाते हैं, जितने भी गुण उनमें होते हैं वो गुण सारे उनके नाम बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान बुद्ध के सिद्धार्थ गौतम के हजारों नाम हैं। हजारों इसलिए हैं क्योंकि पाली और हिंदी को छोड़ के जितनी भाषाएं हैं, इंग्लिश है, फ्रेंच है, तमिल है, उड़िया है, इन सारी भाषाओं में उनके अलग अलग नाम हैं। और सारी भाषाओं के नाम अगर आप मिला देंगे तो ये हजारों की तादाद में नाम बैठते हैं। कुछ नाम मैं यहाँ बताऊंगा जो मुझे आए हैं, बाकी नाम और भी जो लोग जानते हैं वो बताएंगे आपको। देखिए, एक उनका जो नाम है वो बोलते हैं नाथ। नाथ अगर कहीं भी लग जाता है तो ये बुद्ध का नाम होता है। नाथ माने होता है मालिक और स्वामी, अत्ता ही अत्तनो नाथ हो, यानी कि वो अपने नाथ, अपने स्वामी खुद थे, इसलिए उनको नाथ बोलते हैं। एक आता है लिंगायत। लिंगायत जो है उसका बोलते हैं जो जनन इंद्री क्षेत्र को जान ले। अब यहाँ जो जनन इंद्री जो क्षेत्र है, लिंग माने होता है जनन इंद्री और आयत माने होता है वो छह भाग, वो क्षेत्र जहाँ से जनेंद्री होती हैं। तो पाली भाषा में जनेंद्री का मतलब होता है जहाँ से वेदनाएं, संवेदनाएं निकलती हैं। जैसे हमारी पूरी स्किन है, हमारी आँख है, हमारी नाक है, हमारा कान है, हमारा वॉइस है, आवाज़ है, हमारी जीभ है, ये सारे के सारे इंद्री के क्षेत्र हैं। यहाँ से हमें कुछ ना कुछ सूचनाएँ मिलती हैं जो जाती हैं, और एक हमारा मन होता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो इंद्रियों का क्षेत्र है वो सारे सारे लिंग आयत बोला जाता है। और लिंग आयत के परिवार के जितने भी लोग हैं वो सारे सारे बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि धम्म का काम उन्होंने बहुत ज़्यादा किया, इसलिए धम्म के क्षेत्र में, क्योंकि धम्म के प्रवर्तक रहे हैं, उन्होंने प्रवर्तन किया है, तो धम्म राजा, धम्म राज, धम्म ईस, धम्म विजेता, धम्म धर, धम्म धारी, धम्म रत्न, ये सारे नाम उनके हैं। संघ उन्होंने बनाया तो संग रत्न, संग सेन, संग सैनी, संग सैनिक, और सैनी भी उनको बोलते हैं, संग नायक, संग मित्र, ये सारे उनके नाम हैं। और बुद्ध के नाम जो बिगड़े हुए नाम हैं उसमें बुद्ध की जगह उनको बुद्धू भी बोलते हैं, बुद्ध भी बोलते हैं, ये बाद में जो नाम बिगाड़े गए, यानी बुद्ध और बुद्धू दोनों ही बुद्ध के नाम हैं, बिगड़े हुए हैं मगर नाम उन्हीं के हैं। और बुद्ध बिहारी सबसे इंपॉर्टेंट है। बुद्ध बिहारी जो नाम है वो इसलिए पड़ा क्योंकि बुद्ध बिहार में रहते थे, विहार में रहने के कारण उनको विहारी बोलते थे। और वो वाद यानी बात बहुत करते थे, लोगों को बात बताते थे, तो इसलिए उनका नाम वाद बिहारी या वाक बिहारी पड़ा। तो वाक बिहारी, बुद्ध बिहारी, वाद बिहारी, ये बुद्ध के नाम हैं। उनको तरुण बिहारी बोलते हैं, यानी कि जो वो जवान थे और बिहार में रहते थे तो तरुण बिहारी भी बोलते हैं। बुद्ध नाथ, यानी जो बुद्ध अगर स्वयं अपने मालिक हैं तो उनको बुद्ध नाथ या इंद्रीनाथ भी बोलते थे, अपनी इंद्रियों के स्वयं के मालिक। और इंद्रीनाथ से ही बाद में बद्रीनाथ भी पड़ा ऐसा करके, क्योंकि तीन रत्नों की खोज उन्होंने की और तीन पीटक उनके नाम से हैं जो तीन पीटक बने, इसलिए उनको तीन चीज़ों का, जितने भी ती जहाँ वर्ड लगते हैं वो उनसे संबंधित होते हैं। जैसे तिदिवधर, तिदिवधर का मतलब है तिदेव या तिदेव, तीन देव। अब तीन देव कौन कौन से हैं? तीन देव का मतलब है कि वो तीन तरह की अवस्थाओं को पूरी तरह से जानते हैं। तीन तरह की अवस्थाएं कौन सी हैं? एक भौतिक अवस्था है, एक मन की अवस्था है, और एक जो अवचेतन मन है जो सोया हुआ है उसको भी वो जानते हैं, और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानते हैं। इसलिए त्रिपीटक धर भी उनको बोलते हैं, यानी जो उन्होंने का पूरा ज्ञान था उसको तीन पेटियों में बांधा गया, और जो उनको जानता था वो तो खुद जानते थे, तो त्रिपीटक धर भी हैं। बाद में और भी लोग त्रिपीटक धर बने मगर बुद्ध के लिए भी आता है त्रिपीटक वाला। त्रिपीटक धर से ही त्रिपीटक वाला, जिसको तिरुपति बालाजी बोलते हैं, तिरुपति बालाजी। त्रिलोकी यानी लोक, जो शरीर है, जो तीन लोक हैं, शरीर के अंदर की व्यवस्था, उसके अंदर की और बाहर की, जो तीनों अवस्था हैं उनको वो जानते हैं, तो त्रिलोकी बोला, लोक शरीर को बोलते हैं।
त्रिलोचन यानी तीन आंख वाला, लोचन माने आंख। अब तीन आंख कौन सी है? दो आंख तो हमारी ये हैं और एक आंख है प्रज्ञा की, यानी जो प्रज्ञा की आंख है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो उनकी खुली हुई थी और वो जागृत थी और वो उन्होंने बहुतों की जागृत की, इसलिए उनको तीन लोचन भी बोलते हैं, तीन नेत्र भी बोलते हैं, तीन नेत्र वाला। तिकालदस्सी, तिकालदस्सी का मतलब है जो पास्ट को फ्यूचर को प्रेजेंट को, जो अब जो चला गया वो जो आने वाला है वो उसका दर्शन कर लें, उसको देख लें, उनको तिकालदस्सी भी बोलते थे, उसका आभास उनको होता था। लोकनाथ उनका नाम है, लोक का मतलब है जो शरीर के नाथ हैं, शरीर के स्वामी हैं, लोक माने पूरा जग नहीं अपने शरीर के नाथ हैं, उनको मुनि भी बोला जाता था, महामुनि, सम्यक सम महामुनि। शाक्य मुनि बोला जाता था क्योंकि साग सब्जी का उनका काम था, इसलिए शाक्य उनका कुलवंश था, तो शाक्य मुनि उनको बोला जाता है। शाक्य सिंह बोला जाता था, शाक्यों में जो सिंह की तरह सबसे आगे थे और मजबूत थे। नरसिंह भी बोला जाता है, नरों में सिंह की तरह, शेर की तरह। आदि मुनि सम्यक सम्यक बोला जाता था, यानी कि जो मुनि का मतलब है यहाँ ज्ञाता, यानी जो जानकार हैं, जो श्रेष्ठ ज्ञान को जानते हैं। तो आदि मुनि सम्यक सम्यक बोला जाता था, सम्यक सम आदि मुनि यानी प्राचीन प्रथम मुनि जो उसको जानते हैं ज्ञान को। और आदि उनको आदिवंशी, आदिवंशी या आदिवासी बोला जाता है, यानी कि बहुत पहले वाले वंश वाले या आदिवासी जो जंगलों में वंश में रहते थे, ऐसा करके भी उनको जाना जाता है। नाग मुनि भी उनका नाम है क्योंकि नाग उनका वंशज, नाग सारे लोग थे और उनके वो मुनि थे, तो नाग मुनि उनका नाम है। शास्ता बोला जाता है, शास्ता माने टीचर होता है जो पढ़ाता है, यानी शास्ता थे वो, शिक्षक थे, शिक्षक थे, गुरु थे, टीचर थे, जगत गुरु भी वही थे, जगतनाथ भी वही थे, विश्व के गुरु, विश्व को एक यूनिवर्सल ज्ञान देने वाले, ऐसा ज्ञान जो आज तक भी चल रहा है वो जगत गुरु भी थे, जगन्नाथ, विश्व गुरु। भंते भी उनको बोलते थे, भंते, भिक्कु, भदंत, थेरा, महाथेरा, महास्थिविर, कायस्थ, कायस्थ मतलब जो हर समय काया में प्रज्ञा में स्थित रहते हों, कायस्थ। विनयधर यानी विनय के सारे नियमों को जानने वाले, उनको मानने वाले। सीलवान, सारे सीलों का पालन करने वाले। तथागत, जैसी कहते थे वैसी गति करते थे वो, तथागत। सुगत बोलते थे, उनकी गति बहुत अच्छी थी, सुगत। अठ विनायक यानी आठ जो नियम थे, जिसको सब पाप सब लोग एट फोल्ड पाथ बोलते हैं, उसका पालन करने वाले थे, तो उनको अठ विनायक भी बोलते हैं। पुरुषदम साथी यानी कि जो पुरुष हैं उनको, उनका सारथी, उनका साथ देने वाले, दमन करने वाले, जो उनकी बुराइयों उनको दमन करने वाले, साथ देने वाले थे। करुणाकर, पूरी उनके अंदर करुणा थी, अनंत करुणा। मुदिता थी उनके अंदर, तो मुदित बोलते थे। मार पराजक थे, उन्होंने मार को पराजित किया। सुदर्शन चक्रवर्ती थे, यानी जिसको सुदर्शन चक्रवर्ती बोलते हैं। सुदर्शन माने जिनका दर्शन बिल्कुल अच्छा हो, और चक्रवर्ती माने जिनका धम्म चक्र उनके साथ हो, तो सुदर्शन धम्म चक्रवर्ती बोलते थे उनको। अर्हत थे, भैसज्य गुरु थे। अर्हत का मतलब है जो अपने सारे दुख दूर कर चुके हों, और भैसज्य गुरु है जो मनुष्यों का उपचार करते थे, यानी चिकित्सक भी थे, भैसज्य गुरु थे। भोजंगनाथ भी थे, यानी बोधि के जितने अंग हैं उसको जानने वाले नाथ थे, भुजंगनाथ भी बोलते हैं। भुजंगनाथ को भुजंगनाथ भी बोलते हैं। वीतरागी, वीतकामी, वीतमोह, मोही। धम्मचक पवत्तक, धम्मचक पवत्तन भी थे। सम्यक दिट्ठा भी थे, चीवरधारी भी थे, परिव्राजक भी थे, हेतुवादी, पंडर देव, अरियामग्गदाता, अरिमग्गदाता, अरियामग्गदाता, हरिमग्गदाता, आर्य, पय्याधर, नामदेव, सतनामी, सती, स्मृतिवान, सदगुरु, सचखंड, सचखंड, मुक्तसिर, मुंडा, मुंडे, महादेव, अनागारिक, दस बली या दसानन, यानी ज्ञानी, ये सब उनके नाम हैं। और अंग्रेजी में उनको लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं। इसके अलावा उनके हजारों नाम हैं, और 28 बुद्धों के नाम तो आप सब जानते ही होंगे। तरणकर, मेधांकर, श्रवणकर, दीपांकर, कौंडिन्य, मंगल, सुमन, रेवत, शोभित, अनुमदर्शी, पदम, नारद, पदमोत्तर, सुमेद, सुजात, पियदस्सी, अथदस्सी, धमदस्सी, सिद्धार्थ, तिस्स, पुफ, विपस्सी, सिक्खी, विषयभू, ककुसंद, कोड़ागमन, काश्यप, गौतम, और आने वाले जैसी भविष्यवाणी है मैत्रेय। तो ये सारे नाम, और इनके अलावा बहुत सारे नाम हैं जो मुझे याद नहीं है क्योंकि ये समय समय पर आते रहते हैं। एक विशाल भंडार है उनके नामों का, अनंत नाम उनके हैं क्योंकि उनके गुण भी अनंत थे, ऐसा माना जाता है। धन्यवाद।